हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएफआरडीए की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे होनी है। टोटल वैकेंसीज जो है वो 14 है अंडर डिफरेंट स्ट्रीम्स, अभी वो हम आगे देखेंगे। स्ट्रीम्स हैं जनरल, एक्चुएरियल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, रिसर्च इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम्स। तो इन सभी पोस्ट में मिलके 14 वैकेंसीज आई हैं। इनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर आपको नहीं पता पीएफआरडीए, तो मैं आपको बता दूं, पीएफआरडीए है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैचुरी रेगुलेटरी बॉडी है इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एस्टैब्लिश्ड अंडर द पीएफआरडीए एक्ट, पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद द मैंडेट टू प्रमोट, डेवलप एंड रेगुलेट द पेंशन सेक्टर ऑफ इंडिया। तो जो पेंशन सेक्टर है इंडिया का, उसको प्रमोट, डेवलप एंड रेगुलेट करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट ऑफ फीस की जो डेट्स हैं वो 13 अगस्त से 16 सितंबर तक हैं। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉल लेटर फॉर द फेज वन एंड फेज टू एग्जाम, फेज वन ऑनलाइन एग्जाम फेज टू इंटरव्यू, ये सभी बाद में बताई जाएंगी, अभी डिसाइडेड नहीं है। देन सबसे पहले हम इसकी सर्विस कंडीशन और पे एंड अलाउंसेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो प्रोबेशन, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं रिक्रूट किए जाएंगे, उन्हें प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होगा ऑफ द 1 ईयर। देन पे स्केल की अगर हम इसमें बात करें, ऑफिसर इन ग्रेड ए वो 28,150 विद अ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 1,550 रुपीज, इसके 4 इंक्रीमेंट होंगे। देन 34,350 के बाद 1,750 के 7 इंक्रीमेंट, देन 46,600। तो ये इसका पे स्केल है, पे स्केल इसका काफी अच्छा है। और इसके साथ साथ जो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स द पीएफआरडी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द एनपीएस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस एंड हाउसिंग अलाउंसेस, ये सारे ही इसमें होंगे। बेनिफिट्स, जैसे आप सभी को पता है बैंकिंग सेक्टर में या फिर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, वही सारे बेनिफिट्स यहाँ भी हैं। लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आई रिफ्रैक्शन, ये सारे ही फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट्स, ब्रीफकेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर एंड ऑल अदर बेनिफिट्स, ये सभी पीएफआरडी में है। अगर हम टोटल सीटीसी की बात करें, तो टोटल सीटीसी जो पे एंड बेनिफिट्स को मिला के है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर एट द बिगिनिंग ऑफ स्केल ऑफ पे, वो कितना होगा अप्रोक्स 18 लाख पर एनम। तो आप ये देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा पैकेज, इसमें आपको फर्स्ट ईयर ऑफ द जॉब से ही मिलना शुरू होगा, तो ये जॉब काफी अच्छी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसकी तैयारी जरूर करें। पे स्केल है, उसके अलावा क्वालिफिकेशन ऑफ पे भी है। अगर आपके पास इन पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कंप्लीशन लेवल है आपका कुछ क्वालिफिकेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन अलाउंस पर मंथ मिलता है। एक्चुअरियल की कंडीशन में फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया में 80,000 रुपीज पर मंथ, पास और एग्जामिशन इन ऑल 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज में 15,000 रुपीज पर मंथ। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में एसीए एसीए में इसमें 3,500, मास्टर डिग्री अगर आईटी वाले रखते हैं तो उन्हें 3,500 का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड फाइनेंस, पीएचडी अगर कोई उसमें है तो ₹3,500 का क्वालिफिकेशन अलाउंस पर मंथ उसे दिया जाएगा। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है एनीवेयर इन इंडिया। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन पे एंड पे स्केल है। अब हम नंबर ऑफ पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जनरल स्ट्रीम में आप 5 इसमें टोटल पोस्ट है। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए, सीएफए, सीएस या सीडब्ल्यूए। एक्चुअरियल के लिए 2 सीट्स यहाँ पे आई हुई हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से एंड पास और एग्जेम्पशन इन 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन। तो ये जो एक्चुअरीज का एग्जाम होता है ये आपका क्लियर होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी 2 सीट्स हैं, तो उसकी ये डिटेल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट और फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आईसीएआई एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं बाकी कुछ और भी इसमें क्वालिफिकेशन इसमें ऐड है, ये क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। आईटी के लिए भी 2 सीट्स हैं, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी या कंप्यूटर साइंस में,
या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर होगा तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो आईटी के फील्ड में 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की बात करें, इसमें 1 सीट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एट बैचलर डिग्री लेवल, और इसके साथ मास्टर डिग्री अगर किसी के संस्कृत में है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। रिसर्च इकोनॉमिक्स की बात करें, उसमें 1 सीट है, इसमें मास्टर डिग्री आपके पास इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में होनी चाहिए। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पे 1 सीट है और इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये थी टोटल 14 सीट्स। एज लिमिट की बात करें तो एक्सीड नहीं होना चाहिए 30 ईयर से ज्यादा, मैक्सिमम 30 साल इसकी एज लिमिट है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू वेरियस क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो कट ऑफ डेट है वो एज ऑन July 31, 2021 है। मोड ऑफ सिलेक्शन, अगर हम पेपर पैटर्न की एग्जाम की बात करें तो इसमें फेज 1 है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। फेज 2 एग्जाम है, वो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें भी 2 पेपर है 100 मार्क्स के। फेज 3 इंटरव्यू, तो 3 फेज है। फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फेज 2 एंड फेज 3 से मेरिट डिसाइड होगी। पेपर 1 की बात करें तो इसमें सभी स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, और 25 मार्क्स का एक हर एक सेगमेंट होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, और टाइम इसमें 60 मिनट्स मिलेगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से रिलेटेड होंगे। 100 इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे, क्वेश्चन इसमें 50 होंगे, और 40 मिनट्स इसमें टाइम दिया जाएगा। बाकी इसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो उनके स्पेशलाइज सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, बाकी इसमें भी चीजें सेम है टू जनरल। देन इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव इसमें मार्किंग होगी। कैंडिडेट को सिक्योर करनी है सेपरेट कट ऑफ इन ईच ऑफ द पेपर, और जो एग्रीगेट कट ऑफ होगी उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। एंड जो मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ होगी वो शॉर्टलिस्ट फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं है। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स के लिए सेम होगा, ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव 2 टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स है, तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स दिए जाएंगे। पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम है तो उनके लिए अगेन जैसे पहले वाले पार्ट में, जैसे हम कह सकते हैं पेपर 2 में जो पूछा गया था वही यहाँ पे पूछा जाएगा, 100 मार्क्स होंगे मैक्सिमम और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। जो पेपर 2 में स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के लिए है उसमें भी 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स इसमें दिया जाएगा। तो ये 2 पेपर आपके फेज 2 में होंगे। फेज 3 है वो उसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी में देना चाहें चाहे वो इंग्लिश में देना चाहे। यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि जो मार्क्स ऑप्टेन किए जाएंगे फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उनका वेटेज 85% होगा, और जो फेज 3 है जिसको इंटरव्यू वाला पार्ट है उसमें जो वेटेज होगा वो 15% होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फेज 2 है वो काफी डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन ऑफ चांसेस को, 85% वेटेज आपके फेज 2 एग्जामिनेशन का ही है। देन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीएस कैटेगरी के लिए है तो एग्जामिनेशन फीस इसमें 800 है, बाकी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स भी काफी लिमिटेड है, इसमें 5 जोन में डिवाइड किया गया है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन एंड सेंट्रल जोन। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस एग्जाम को रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं, हम आपकी दुविधा को जरूर दूर करेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर एग्जामबी चैनल। iExamBee आपको प्रोवाइड करता है फ्री मॉक टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे iExamBee की साइट को जरूर विजिट करें और फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।